दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमें अपने स्क्वाड में सिर्फ 4 प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकती है, जिसमें से मैक्सिमम 2 विदेशी प्लेयर को सभी टीमें अपने स्क्वाड में रिटेन कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल की सभी 8 टीमों के रिटेन प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बताएंगे, यानी कि सभी टीमों ने कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और इस टीम की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसके अकॉर्डिंग ये टीम ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और एनरिक नोरखिया को रिटेन करेगी। यानी कि दिल्ली की टीम राबाडा, शिखर धवन और भी कई सारे स्टार प्लेयर को बाहर कर देगी। और ये थी दिल्ली की फाइनल रिटेन लिस्ट। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स में पहला नाम है राशिद खान का, उसके बाद केन विलियमसन और भुवनेश्वर कुमार को ये टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। यानी कि हैदराबाद की टीम सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर्स को ही रिटेन करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली अगर चौथे प्लेयर को रिटेन करती है तो वो प्लेयर टी नटराजन हो सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और इस टीम के रिटेंशन में पहला नाम है बेन स्टोक्स का, इसके बाद जोफ्रा आर्चर, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को ये टीम रिटेन करेगी। हालांकि ये टीम आर्चर के स्थान पर जॉस बटलर को भी रिटेन कर सकती है, और ज्यादातर चांस ये है कि ये टीम बटलर को ही रिटेन करे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है पंजाब किंग्स की टीम, और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो ये टीम मोस्ट प्रोबेबली अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और शाहरुख खान को रिटेन कर सकती है। हालांकि इस बात के काफी कम चांस है, क्योंकि पंजाब की टीम केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को रिटेन नहीं करेगी। तो ऐसे में ज्यादातर चांस ये है कि पंजाब किंग्स की टीम किसी भी प्लेयर को रिटेन न करे और 90 करोड़ के पर्स बैलेंस के साथ मेगा ऑक्शन में एंट्री मारे। और इस बात के काफी हाईली चांस है कि पंजाब किंग्स की टीम किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है 5 बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम। और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें पहला नाम है इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा का, इसके बाद जसप्रीत बुमराह, कैरन पोलार्ड और ईशान किशन को मुंबई की टीम रिटेन करेगी। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम चौथे प्लेयर के तौर पर ईशान किशन को रिटेन करने वाली है। यानी कि मुंबई इंडियंस के स्क्वाड से ट्रेंट बोल्ट, सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक और हार्दिक पांड्या समेत कई सारे स्टार प्लेयर बाहर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुंबई की टीम चौथे प्लेयर के तौर पर ईशान किशन को अपने स्क्वाड में रिटेन कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और इस टीम के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो केकेआर की टीम काफी मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि इस टीम को मजबूरन अपने कप्तान यानी कि इयान मॉर्गन को बाहर करना पड़ेगा। तो ऐसे में कोलकाता की टीम रिटेन लिस्ट में पहला बड़ा नाम है आंद्रे रसेल का, इसके बाद शुभमन गिल, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता की टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। तो कुल मिला के कोलकाता के स्क्वाड से कई सारे स्टार प्लेयर बाहर हो जाएंगे, और ज्यादातर चांस ये है कि ये टीम वेंकटेश अय्यर को भी अपने स्क्वाड में रिटेन न करे। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और इस टीम को रिटेंशन से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एबी डिविलियर्स आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में आरसीबी के रिटेन लिस्ट में पहला बड़ा नाम है इस टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का, इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल को आरसीबी की टीम रिटेन करेगी। यानी कि आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड से मोहम्मद सिराज और देवदत्त पड्डीकल दोनों प्लेयर को बाहर कर देगी। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है डिफेंडिंग चैंपियन और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और इस टीम के रिटेन
हिटलर्स के बारे में बात करें तो ये टीम सबसे पहले अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करेगी, इसके बाद रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ और मोस्ट प्रोबेबली फाफ डुप्लेसिस को ये टीम अपने स्क्वाड में रिटेन करे। हालांकि काफी सारे क्रिकेट वेबसाइट्स में क्लेम किया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फाफ डुप्लेसिस के स्थान पर मोइन अली को भी रिटेन कर सकती है। हालांकि फाइनल लिस्ट रिटेंशन प्रोसेस के बाद पता चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, चेन्नई की टीम चौथे प्लेयर के तौर पर कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी, आप उस प्लेयर का नाम कमेंट में जरूर बताएं। तो यही था आईपीएल 2022 के लिए सभी टीमों के रिटेन प्लेयर्स की प्रोबेबल लिस्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।